चिटफंड कंपनी पीएसएल की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी, सीआईडी करेगी आरोपों की जांच। 18 नवंबर की लेटेस्ट न्यूज। वेलकम बैक टू माय चैनल सभी पल्स निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो हम लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं उसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित होंगे। तो दोस्तों, पूरी न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाना होगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, पूरी न्यूज़ क्या सुनाते हैं कि पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएसएल की आड़ में उससे संबंधित करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगा है। आगे खबर है कि रांची राज्य ब्यूरो पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएसएल की आड़ में उससे संबंधित करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगा है। यह आरोप दिलीप कुमार मेहता, योगेश कुमार मेहता, देवेंद्र शाह आदि ने लगाया है। शिकायत के बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधक विभाग ने सीआईडी, एडीजी, सीआईडी के आईजी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। उक्त मामले में जांच संबंधी रिपोर्ट की मांग की गई ताकि इस पर ठोस निर्णय लिया जा सके। शिकायतकर्ताओं ने यह सरकार को बताया कि पीएसएल से जुड़े ऐसे 5,000 से अधिक लोग कंपनी की आड़ में धंधा कर रहे हैं। इसमें मादक पदार्थों की उपज से लेकर तस्करी तक के मामले शामिल हैं। पीएसएल एक चिटफंड कंपनी है। सेबी ने गड़बड़ी पकड़ी तो निवेशकों के रुपये भी लौटाने का आदेश हुआ था। तब बात सामने आई थी कि इस कंपनी में देश भर के 6 करोड़ निवेशकों के करीब 49,700 करोड़ रुपए जमा है। सेबी के आदेश पर ही सभी रुपये को लौटाने का आदेश भी जारी किया गया था। अब एक नया मामला सामने आया जिसकी जांच के बाद बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला इस वक्त तस्करी से पल्स कंपनी को जोड़ने का है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई पल पल की खबर पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय जय भारत।